अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एस एन व्लॉग्स वर्ल्ड। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट केक। चलिए बनाना शुरू करते हैं। केक मैं पतीले में बेक करूंगी, तो उसके लिए मैंने एक पतीला ले लिया है और नीचे नमक बिछा दिया है, स्टैंड रख दिया है। प्री हीट होने के लिए मैं इसको रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम केक का बैटर बना लेते हैं। कवर कर दूंगी डिक्चे को और फ्लेम ऑन कर दूंगी। केक का बैटर बनाने से पहले हम केक मोल्ड को तैयार कर लेते हैं। मैंने बटर पेपर लगा दिए। अब ऑयल ब्रश से ऑयल इसके ऊपर सारी तरह से हिलाकर लगा देंगे। सबसे पहले बॉल में मैं डालूंगी 2 अंडे जो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अगर आपके फ्रिज में हैं तो निकाल लें पहले और थोड़ी देर बाहर रख लें। हैंड बीटर से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अब अंडों में मैं शामिल कर दूंगी 1/4 कप पिसी हुई चीनी। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स मिक्स मिक्स। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 4 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। ये अनसॉल्टेड है। मिक्स करेंगे अच्छे से। वन कप मैदा डालूंगी। मैंने इसको अच्छे से छान लिया था। आप किसी भी चीनी भी डालेंगे तो उसको अच्छे से पहले छान लेंगे। मैंने दोनों चीज़ें छान ली थी। अब मैं इसको शामिल करके मिक्स कर दूंगी। मैदा बहुत अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसमें मैं डाल दूंगी रूम टेम्परेचर पर 1/2 कप मिल्क। मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। इसको भी मैंने छान लिया था। डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी बेकिंग चॉकलेट जिसको मैंने क्रश कर लिया था। इसको डाल के बस हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुके। चलिए जी, हमारा बैटर अब तैयार है। हम इसको केक मोल्ड में डालेंगे। केक का बैटर मैं डाल दूंगी केक मोल्ड में।
केक मोल्ड को टैप कर लेंगे ताकि इसमें से एयर निकल जाए। एहतियात के साथ उठाकर मैं इसे पतीले में रख दूंगी। कवर कर दूंगी। फोर्टी मिनट्स के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फ्लेम मीडियम पर रहेगा। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे 40 मिनट्स के बाद। 40 मिनट्स हो चुके हैं। चलिए ढक्कन रिमूव करके देखते हैं। मैंने टूथपिक ले ली, उसे देखेंगे कि केक पिक हो चुका है कि नहीं। सेंटर में देखेंगे पहले डाल के, साइड्स में भी देख लेंगे। टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब है केक हमारा बेक हो चुका है। फ्लेम में ऑफ कर दूंगी और मोल्ड को बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। केक ठंडा हो चुका है, चलिए आप इसको निकाल लेते हैं। बटर पेपर रिमूव कर देती हूँ मैं। चलिए मैं अब आपको काट कर बताती हूँ कि बना कैसे। इतना सॉफ्ट है ये। जो हमने चॉकलेट इसमें डाले हैं चांस कितने मजे के लग रहे हैं। इस केक के ऑलमोस्ट तमाम इंग्रेडिएंट्स घर के किचन में मौजूद ही होते हैं। आप इन इंग्रेडिएंट्स के साथ बगैर किसी ओवन या बगैर किसी इलेक्ट्रिक हीटर के आप इसको बड़ी आसानी से घर में बेक कर सकते हैं। आप भी ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।